किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, खाद, बीज और बिजली की समस्या दूर करने सहित कई मांगों को लेकर कांग्रेस ने भोपाल में किसान न्याय यात्रा निकालकर सरकार से मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। बता दें कि कांग्रेस सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं का 2700 और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रही है। राहुल मौजूद है, अगर आज न्याय यात्रा निकल रही है, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों को? हमारी मांग सिर्फ एक है, जो किसान भाइयों ने के लिए, अरे रुक जाओ भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की थी चुनाव के पहले किसानों के समर्थन मूल्य के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, उन मांगों को लेकर हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। सिर्फ उतना पूरा करते हैं और कुछ मतलब नहीं। न्याय यात्रा किसानों को लेकर जो वादे विधानसभा चुनाव के पहले किए गए थे उसे पूरा किया जाए, ये अजय सिंह राहुल पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी वो कह रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालकर इसी तरीके से जो न्याय यात्रा है उसे निकाल रही है और इसके जरिए कलेक्टर को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है और मांगों को लेकर इस ज्ञापन में कई तरह की जो बातें हैं उनका जिक्र किया गया है। ये ट्रैक्टर रैली जो है वो भोपाल के रातीबड़ चौराहे से शुरू हो रही है और ये कलेक्ट्रेट तक जाने की तैयारी है। हालांकि आगे ही पुलिस ने बैरिकेड लगा कर रखे हैं और बैरिकेड के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो आज अलग अलग ज़िले में इस तरीके से ट्रैक्टर रैली और किसान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इस ट्रैक्टर रैली के जरिए सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसका कितना राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलता है और इनकी मांगों पर कितना अमल होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। अजय सिंह राहुल मौजूद है।